लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये बच्चों को नाम से ही डर लगने लगता है कि ये होता क्या है ना। तो इक्वेशन जो वर्ड है, इक्वेशन मीन्स समझिबल है। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इसमें दो पार्ट होते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। किसके लेफ्ट साइड में, इक्वल टू के। जैसे कोई इक्वल टू लगा है, इसके लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड इधर होगा, उल्टा हाथ इधर रखेंगे, सीधा हाथ इधर रखेंगे, तो ये राइट साइड हो गया और इधर क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। ठीक है, तो जो इधर होगा उतना ही इधर होगा। जैसे हमने लिखा 2+3, तो ये 2+3 कितना होता है, 5 होता है, तो 5 इधर लिखा जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट का मतलब यही है कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू RHS यानी राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे देखो, इस पेपर में, एग्जाम में क्या करते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए क्या कर देते हैं कि यहाँ पे आपका 2 तो लिखा है, लेकिन यहाँ पे 3 की जगह उन्होंने x लिख दिया और इधर लिख दिया 5। क्या लिख दिया? 5। अब कहाँ x की वैल्यू निकालो, तो बहुत आसान है देखो निकालना कि भाई यहाँ से क्या दिख रहा है कि 2 में कितना प्लस करें कि 5 हो जाए, क्योंकि हमें LHS और RHS बराबर देखने होते हैं ना। RHS 5 है तो इधर भी 5 आना चाहिए दोनों को जोड़ने पे। तो 2 में कितना जोड़ें कि 5 हो जाए, तो 2 में 3 जोड़ो, अपने आप 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 में 3 यानी कि 2+ यहाँ पे x की वैल्यू 3 अपने आप। अभी ये छोटा नंबर है, आप ओरली कर पा रहे हैं, लेकिन अगर इसको एक्चुअल में करना पड़े तो इसको कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, उसका तरीका देखो कि क्या करते हैं भाई। x की वैल्यू निकालना है ना, x के साथ जो इधर देखो, x के पहले जो साइन है वो x का है, अब 2 के पहले साइन कौन सा है, प्लस का छुपा हुआ है, जब कुछ नहीं साइन है तो प्लस है ना। ठीक है, तो बात हो रही थी कि करेंगे कैसे इसको, सॉल्व कैसे करेंगे। तो हर नंबर के पहले उसका साइन होता है, तो 2 के पहले यहाँ पे क्या है, प्लस है। अब ये 2 उधर चला जाएगा, किधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड में। तो 5 हमने लिखा और ये 2 उधर जाएगा, यहाँ 2 इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में है तो प्लस में, उधर जाएगा तो 2 माइनस का हो जाएगा ना। तो ये लिखा 5-2, 5 में तो 2 गया, कितना बचा, 3। तो देखो x बराबर 3 आ गया, जो कि यहाँ पे 3 था, है ना, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर ही हो गया होगा। तो अब 3 जैसे x की जगह पे रख देंगे, x बराबर 3 आया नहीं, x की जगह पे अगर 3 रखेंगे, 2-3, 5 इधर भी हो जाएगा, 5 इधर भी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो इसमें जो इक्वेशन वर्ड था ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो ये इक्वेशन वर्ड था, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इक्वेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, कि इस तरह से कोई चीज़ दिखी होगी तो उसका मतलब ये होगा। लेकिन खाली देखो यहाँ पे तो भाई प्लस लगा था, तो क्या खाली प्लस ही लगा होगा? इक्वेशन में एक वेरिएबल ज़रूर होता है, वेरिएबल कहते हैं एक्स या वाई या जेड, ए बी सी डी से, ए से लेकर जेड तक कोई भी अगर लेटर होगा तो समझ जाओ वेरिएबल है, हमें उसी की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे वाई भी हो सकता था, यहाँ पे जेड भी हो सकता था, यहाँ कुछ भी, और नंबर ये कुछ भी हो सकते थे। ठीक है, जरूरी नहीं एक्स यहाँ पे है, एक्स इधर आ सकता था, टू इधर आ सकता था, सॉल्यूशन ऐसे ही होता। ठीक है, दोनों कंडीशन में। अब जरूरी नहीं है कि प्लस ही वाला मामला हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो सकता है और ये टू डिवाइड में भी जा सकता है नीचे। कैसे, इक्वेशन कई फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, लेकिन इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया क्या होता है। अभी एक वर्ड लीनियर बाकी है, इसका भी ध्यान रखना है। तो लीनियर का अभी यहीं बता देते हैं। अच्छा, जो लीनियर लिखा है, तो लीनियर का मतलब होता है कि जो एक्स है, एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, है ना। तो अगर कोई भी इक्वेशन लिखी है, एक्स की पावर अगर 1 है तो समझ जाओ ये लीनियर इक्वेशन है। अगर एक्स की पावर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1 ही होता है। अगर एक्स की पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक हो जाता है, एक्स की पावर 3 है तो वो क्यूबिक हो जाता है। पावर मतलब उसकी, उस नंबर, उस वेरिएबल के ऊपर जो छोटा सा पावर या नंबर, लेटर, सॉरी डिजिट लिखा होता है, 2, 3, 4 या 1, वो उसकी पावर 1 नहीं लिखा तो समझ लो 1 है। ठीक है, क्लियर है? अब इक्वेशन खाली इसी फॉर्म में नहीं होती, इक्वेशन ऐसे भी होती है। जैसे एक इक्वेशन ये है, x प्लस 3 बराबर 7, है ना। तो इसका मतलब क्या है, LHS ये है, RHS ये है, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में क्या है, x प्लस 3 है, यानी कि 3 में क्या जोड़ें कि 7 आ जाए, तो 3 में 4, ऐसे ही ओरली कर लोगे ना। तो इधर 4+3 बराबर 7, देखो पल्ला बराबर है दोनों का, दोनों तरफ का पल्ला बराबर है आना चाहिए, इधर भी 7 आ गया, इधर भी 7 आ गया। ठीक है, लेकिन करते कैसे हैं, ऐसे कि जो भी नंबर है उसको उधर भेजेंगे। ठीक है, तो जैसे जो 3 था इसको उधर भेजते, 7-3 हो जाता, यहाँ पे क्या बचता, 2। ठीक है, 7-3 इधर बचता 4, सॉरी, है ना। तो ऐसे होगा, समझ में आ गया। इक्वेशन की एक फॉर्म ये भी है, यहाँ पे लिख देंगे y-3 = 5। हमने कहा x की जगह पे y, z कुछ भी आ सकता है, तो y-3 = 5। ठीक है, यानी कि किस नंबर में से 3 घटाएं कि 5 आ जाए, किस नंबर में, तो 8 में से, है ना, 8 में 3। तो ये कैसे आएगा, तो देखिए 3 का साइन क्या है, माइनस है, 3 उधर जाएगा, 5 का भाई है ना, 3 लेटर डिजिट है ना, 5+3 अपने आप 8 आ गया, तो y की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, है ना। तो 8 में से 3 आता, 5 इधर भी आता, 5 इधर भी। क्लियर, एक फॉर्म ये हो गई। एक और फॉर्म होती है, ये तो अभी प्लस माइनस की फॉर्म हो गई, मतलब प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है।
एक और जो इसकी फॉर्म होती है वो ये होती है, जैसे 8t लिखा है बराबर 32 लिखा है, 8t का मतलब है 8 इंटू टी है ना, या यहाँ पे डॉट लगा होगा तो समझ जाइएगा इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है बराबर 32। अब इस केस में हमें t की वैल्यू निकालनी है, मतलब 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 32 आ जाए, तो 8 फोर था 32 होता ना, तो t की वैल्यू वैसे भी 4 दिख रही है ना, समझ में आ रही है, लेकिन निकाले कैसे, तो जो भी नंबर जो यहाँ पे t हो सकता है, a हो सकता है, x y z, a से z लेकर z तक कुछ भी लिखा हो सकता है, तो इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई होता है वो नीचे चला जाता है, तो t बराबर क्या आ जाएगा 32/8, ठीक है, 8 ones are 8, 8 4 the 32, तो t की वैल्यू 4 आ गई। एक फॉर्म तो ये इक्वेशन की ये थी, ये भी एक इक्वेशन ही है, ठीक है, LHS RHS बराबर दिखने होते हैं, ठीक है। एक फॉर्म ऐसे भी आ सकती है इक्वेशन की, भाई लिखा होगा a अपॉन 2 बराबर 3, क्या लिखा होगा a अपॉन 2 बराबर 3। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होता है, मतलब कोई ऐसा नंबर है a, हमें पता नहीं वो नंबर की वैल्यू निकालनी, उस नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 3 आ जाए, कौन से ऐसे नंबर है जिसको जिसके दो हिस्से करे जाएं और 3 बचे, बराबर सिक्स, ठीक है, कैसे हुआ, अरे 6/2 को देखो 2 3 6 है ना, या ऐसे कर लो, a की वैल्यू निकालनी है तो इधर जो है जो नीचे होता है वो उधर मल्टीप्लाई में चला जाता है इधर वाले नंबर के साथ, तो a बराबर 3 × 2, a बराबर 3 × 2 = 6 हो गया, तो देखो a की वैल्यू 6 आ गई। इस केस में जब मल्टीप्लाई में लिखा था तो 8 डिवाइड में चला गया, इस केस में जब डिवाइड में था कोई चीज़ तो उधर मल्टीप्लाई में गई, तो ये भी एक इक्वेशन की फॉर्म है, ये भी एक इक्वेशन की फॉर्म है, प्लस वाली भी एक इक्वेशन फॉर्म है और ये माइनस वाली भी इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन का मतलब समझ में आ गया, लीनियर का मतलब हमने बताया पावर 1 होगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक एक वर्ड होता है जब पावर 2 होती है, एक्स का पावर 2, देखो यहाँ एक्स की पावर 1, यहाँ टी की पावर 1, यहाँ ए की पावर 1, यहाँ वाई की पावर 1, यानी कि जो भी वेरिएबल होगा ए से लेकर जेड तक कुछ भी उसकी पावर 1 होगी, कुछ नहीं होगा तो 1, ठीक है, तो ये इक्वेशन कॉन्सेप्ट था, तो लीनियर इक्वेशन। अब इसमें आगे एक वर्ड लिखा है वन वेरिएबल, क्या लिखा है, वेरिएबल, तो ये जो वन वेरिएबल लिखा है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है ए से लेकर ए टू जेड, यानी ए बी सी डी से एक्स वाई जेड से लेकर कोई भी, ए से लेकर जेड तक कोई भी लेटर हो सकता है, तो एक वेरिएबल में लेकिन वो एक ही होगा, अगर एक्स है एक्स ही होगा इक्वेशन में, दूसरा कोई वाई या जेड कहीं नहीं दिख रहा है, अगर वाई है, अगर वाई है तो वाई ही होगा, लेकिन एक्स वाई या ए बी सी डी कहीं और नहीं दिख रहा, टी है तो कोई और नहीं दिख रहा, खाली नंबर ही दिख रहे हैं, फिर उसके अलावा ए है तो ए ही है, ए से लेकर जेड तक उसके अलावा कोई और, बी से लेकर जेड तक कोई और नहीं लेटर है, ठीक है, हाँ नंबर हो सकते हैं लेकिन वेरिएबल का मतलब समझे, एक ही वेरिएबल होगा, दो वेरिएबल का मतलब क्या है, अगर यहाँ पर लिखा होता लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो उसका मतलब हो जाता है भाई एक एक्स हो गया एक वाई हो गया बराबर 4 है ना, समझ में आई बात, एक वेरिएबल ये हो गया एक वेरिएबल ये हो गया, दो वेरिएबल हो गए, जब दो वेरिएबल होंगे तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। अभी हम बात कर रहे थे क्वाड्रेटिक की, क्या बात कर रहे थे, क्वाड्रेटिक, ये बात हम बोल रहे हैं क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, जैसे ये लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। अब इस केस में देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि x की पावर 2 आ गई, मैक्सिमम पावर अगर 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये डिग्री 2 हो गई, जब डिग्री 2 हो जाती है वही क्वाड्रेटिक बन जाती है, यहाँ x की पावर 1 है तो डिग्री 1 है तो लीनियर, क्या कहेंगे इसको, लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ये हर क्लास के बच्चे के लिए है, 6th क्लास से लेकर किस क्लास तक के, 12th क्लास तक समझिए, उसके बाद भी जितना आप मैथ्स पढ़ेंगे, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए सारे, ये आपका बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्या था इसका मतलब, ये सारी बातें हमने बता दी, ये इक्वेशन की फॉर्म सारी बताई, इक्वेशन का मतलब बताया और इक्वेशन होती क्या ये बताया, ठीक है।